हर इंसान के जीवन में कुछ बहुत खास दोस्त होते हैं जिनसे वो अपने दिल की हर बात शेयर करता है, क्योंकि दोस्ती जीवन का वो रिश्ता होता है जो जीवन भर हर मुश्किल घड़ी में आपके साथ रहता है। लेकिन जब आपको पता चले कि आपका ही दोस्त आपका जानी दुश्मन बन जाए तो तब आप क्या कहेंगे? जी हाँ, कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है उधम सिंह नगर जिले के गदरपुर से। चलो आपको पूरा माजरा ही बता देते हैं। दरअसल उधम सिंह नगर जिले के सूरजपुर गांव में तीन दोस्त बीते 5 जून को शराब पीने केला खेड़ा जाते हैं, लेकिन इस दौरान शराब पीते पीते उनकी आपस में मामूली सी कहासुनी हो जाती है। लेकिन यह मामूली विवाद धीरे धीरे इतना बढ़ जाता है कि दो दोस्त तीसरे दोस्त की हत्या कर देते हैं, जिसके बाद वो शव को अपने घर के सामने एक कट्टे में दबा देते हैं, जिसकी सूचना वो किसी को नहीं देते हैं। वहीं मृतक युवक के परिजनों ने उसकी गुमशुदगी दिनेशपुर थाने में दर्ज करवाई, जिस पर थाना अध्यक्ष अनिल उपाध्याय ने कार्रवाई की तो पता चला कि युवक को उसके दोस्त ने मौत के घाट उतार दिया है। वहीं पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर शव को गड्ढा खोद कर बाहर निकाला और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। देखिए, ये गुमशुदगी हमारा थाना दिनेशपुर में 5 तारीख को दर्ज थी, जिसके आधार पर काफ़ी खोजबीन की जा रही थी। तो आज जो है ये जंग बहादुर जो सूरजपुर का रहने वाला है, ये गदरपुर पुलिस के हत्या चढ़ गया। इससे गहन पूछताछ की गई तो इनके द्वारा ये बताया गया कि हम 5 तारीख की शाम को केला खेड़ा गए थे तीन दोस्त, और जब वहाँ इन्होंने शराब आदि पी, आपस में इनका झगड़ा हुआ, वहीं पर इसने जो है जंग बहादुर ने जो है इसको प्रेम को जान से मार दिया। फिर जो है ये मोटरसाइकिल में बैठ करके आए, मोटरसाइकिल में बैठ करके ये जंग बहादुर का घर है इसी के बाहर इसके द्वारा ये गड्ढा बनाया गया और गड्ढे में बॉडी को डाल दिया गया। पुलिस के द्वारा हमें सूचना प्राप्त हुई कि यहाँ का एक युवक जो है गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज की गई है। पुलिस द्वारा जांच में उनको संदिग्ध मुलजिम को गिरफ्तार किया गया। उससे उनके द्वारा पूछताछ की गई कि उनके द्वारा जो मुलजिम हत्या करने के बाद उसको गड्ढे में यहाँ दबा गया है। वहीं उधम सिंह नगर में एक के बाद एक हत्या के मामले सामने आने से जिला क्राइम का गढ़ बनता जा रहा है, क्योंकि बीते 6 जून को भी थाना केला खेड़ा के गांव रामपुरा काजी की निवासी जोगेंद्रो बाई की गुमशुदगी दर्ज की गई, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की तो पता चला कि दो आरोपियों ने उस महिला की गला रेत कर हत्या कर दी। वहीं कुछ दिन पहले महिला को ढूंढने के दौरान एक नदी के अंदर से कुछ कपड़े और 3 मानव अंग बरामद हुए, जो बाद में पता चला कि उसी महिला के हैं। पुलिस अब आगे की कार्रवाई में जुट गई है। दिनांक 7/6/2023 को जो केलाकेड़ा थाना क्षेत्र में एक छोटा नदी बहती है, वहाँ पे गांव हमारा गुलाब का माजरा और कौन सा है वो रामपुरा काजी के बीच में, तो वहाँ पर कुछ मानव अंग दिखे गए। उससे पिछले एक दिन पहले हमारा जोगेंद्र कौर करके एक औरत है, वही रामपुरा काजी के रहने वाली, वो जो सुबह से मिसिंग थी उसको केलाकेड़ा पुलिस ने शाम को ही गुमशुदगी दर्ज करा दी थी। 7 तारीख को जब ये मानव अंग मिलने से बहुत ज़्यादा सनसनी फैल गया है, एंड उसके बाद शाम तक ये भी पता चल गया कि भाई वो पैर के गांठ से और कपड़ों से आइडेंटिफाई हो गए थे, जोगेंद्र का है। तत्काल हमने 302 का मुकदमा लिख दिया था जोगेंद्र कौर पे, और विवेचना के दौरान हमने DNA टेस्ट को मिलान करने के लिए हमने जोगेंद्र कौर की बेटी का DNA टेस्ट की मिलान के लिए भेजा था। प्रदेश में धीरे धीरे क्राइम बढ़ता जा रहा है। हर दिन आपको प्रदेश में एक घटना क्राइम की जरूर मिलेगी, जो कि पुलिस के लिए एक चिंता का सबब बनता जा रहा है। पंजाब केसरी TV के लिए उधम सिंह नगर से निजामुद्दीन शेख की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।